हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ ईवा शिराली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है महाशिवरात्रि और हमारे घर पे भी महाशिवरात्रि का फास्ट होता है। हम फराल की चीज़ें खाते हैं, जो साबूदाना की खिचड़ी होता है, स्वीट पटेटो वगैरह वगैरह। एंड पहले तो सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि बहुत लोग थे, खाने भी ज़्यादा बनते थे और फास्टिंग की जगह एक्चुअली ओवर ईटिंग ही हो जाती है। तो फास्टिंग जो है हमारा वो अलग दिनों पर चलता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन हम स्पेशल खाना खाते हैं जो हम सबका फेवरेट है। महाशिवरात्रि मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत स्पेशल है। हम लोग जब बहनें साथ में होती थी तब हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते थे, लेकिन अब लोग कम हैं तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। अब जो मंत्र वगैरह हैं वो यूट्यूब पर चल जाते हैं। तो एनीवे, जो भी है, हम वी ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड वी जस्ट वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। और आज छुट्टी है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है, तो मैं आज आप लोगों के साथ मेरा ये स्पेशल दिन शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए हम क्या करते हैं महाशिवरात्रि के दिन को और रात को। लेकिन उसके पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि आपको पता चले कि मेरा नया एपिसोड कब आता है। वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि हर फ्राइडे या सैटरडे को अपना एपिसोड अपलोड करूँ, लेकिन कभी कभी काम की वजह से नहीं कर पाती हूँ। बट आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग जब भी मौका मिले मेरा एपिसोड देखते हो। मुझे इतने सारे व्यूज़ आते हैं, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे इतने भी व्यूज़ आएंगे इस चैनल को, लेकिन थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड लेट्स सेलिब्रेट महाशिवरात्रि टुगेदर। तो ये साबूदाना की खिचड़ी, ये दही और ये हरी चटनी, ये है हमारा आज का पहला लंच। दिस इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे। और मुझे साबूदाना की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, उसमें जो है ग्राउंड नट्स डाले होते हैं और बस ये सिंपल सा दही, और साथ में क्योंकि मुझे तीखा ज़्यादा पसंद है इसलिए या तो मैं हरी मिर्च खाती हूँ या फिर ये चटनी जो है वो साथ में खाती हूँ। वाह वाह, अति उत्तम। ये बेल पत्ते आप कहाँ से लाई राधा जी? मेरे बगीचे से। तो अब हमको करनी है रात होने के बाद पूजा, क्योंकि शिवरात्रि है तो पूजा रात को होगी। रात होने के बाद पूजा करनी है, इसलिए हम अभी जा रहे हैं मार्केट पूजा का थोड़ा सामान लाने के लिए, स्पेशली फूल लाने के लिए, क्योंकि घर में फूल नहीं है, गार्डन है मेरे पास, फूल नहीं है। फूल लेने चलते हैं बोरिवली वेस्ट की मार्केट में। तो हम अब ये फ्लाईओवर क्रॉस करके जा रहे हैं बोरिवली ईस्ट से बोरिवली वेस्ट, और बस शाम हो गई है, थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, उसके पहले हम अपनी शॉपिंग करके वापस घर पे आ जाएंगे। तो ये है बोरिवली वेस्ट स्टेशन के पास का म्युनिसिपल मार्केट। यहाँ पे आपको फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, अंदर बहुत सारी दुकानें हैं डेकोरेशन की, प्लास्टिक की चीज़ों की, पूजा की। बहुत बहुत बड़ी मार्केट है ये, इसमें बहुत सारी अंदर भी लेन्स हैं, हर एक सेक्शन में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। यहाँ राइट में देखिए डेकोरेशन का सामान मिलता है, यहाँ सामने की तरफ जो फूल मार्केट है जिसके लिए मैं यहाँ पे स्पेशली आई हूँ वो है, लेफ्ट में फ्रूट्स हैं। तो ये रहे फूल, और ये देखिए ये पूजा के लिए असॉर्टेड फ्लावर्स रेडी रखे हैं। इधर सब फल वगैरह हैं, ये पूजा का सामान, फूलों की इतनी सारी दुकानें हैं ना, मेरा बस चलता तो मैं और फ्लावर्स ले लेती। फूलों की मंडी क्रॉस करके जैसे ही हम आगे जाते हैं तो उस तरफ जो है वो वेजिटेबल्स वगैरह मिलते हैं। ये उसका एक दूसरा गेट है जहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ये रोड पे भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं अलग अलग चीज़ें लेके, यहाँ पे टमाटर वगैरह, स्ट्रॉबेरीज, फ्रूट्स की इतनी वैरायटी होती है यहाँ पे, एंड द बेस्ट ऑफ फ्रूट्स, इतने अच्छे फल मिलते हैं जो टेस्टी भी होते हैं और रीजनेबल रेट भी होता है। ये बाहर फुटपाथ पर जो बैठते हैं फूल वाले, वो बेचते हैं हार और गजरे,
और मम्मी को गजरे बहुत पसंद है। बालों में तो नहीं लगा सकती लेकिन खुश तो हो सकती है। वो अपने पास रखती है एक गजरा, तो ये एक गजरा मेरी मम्मी के लिए। ये सब रिकॉर्ड करते करते एक बहुत ही मजेदार बात हुई। ये क्यूट कपल अंकल आंटी मुझे मिले वहां पे। ये क्यूट अंकल आंटी को ये लगा कि मैं बॉम्बे में नहीं आई हूँ इसलिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और बहुत ही प्यारे हैं और उनसे बात करते ऐसे लगा जैसे मेरी ही कोई रिश्तेदार हूँ। और अब मैं ये कलरफुल ऑरेंज पर्पल रेड रिक्शा में घर जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसे निकालूंगी एक बर्तन में और जितना चाहिए उतना और वॉश कर लूंगी, जैसे कि हम नॉर्मल चावल अपने वॉश करके थोड़ी देर भिगो देते हैं, बिल्कुल वैसे। ये वॉश हो गया, अब आधा घंटा इसे मैं छोड़ दूंगी पानी के साथ। सबसे पहले जो है इसको धो लिया है और हम इसको करेंगे स्किन निकालेंगे। लहसुन और मिर्ची बिल्कुल बारीक हो जाते हैं, तो इसमें ही डाला अदरक। अब ये मिर्ची, आपको कितना तीखा पसंद है उस पे आप मिर्ची लीजिएगा। बस ऊपर ये अभी ढक्कन लगा दिया और काम शुरू। तो शुरुआत में थोड़ा जोर करना पड़ता है क्योंकि चीजें साबुत हैं इसके अंदर, जो भी है वो छोटा नहीं है, तो थोड़ा बाहर आ रही है। Be careful। रोटेट करते हैं फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। अदरक भी कितनी छोटी हो गई है देखिए, मिर्ची तो होगी, गार्लिक भी इसमें बहुत अच्छे से मैश हो जाता है पूरा। शिवरात्रि की पूजा रात को होती है, रात्रि है ना, तो हमारे यहाँ हमेशा से शिवरात्रि की पूजा रात को होती है। और सामो जो मैंने भिगो के रखा है वो सबसे पहले मैं बना दूंगी। बहुत ही सिंपल है और इसलिए मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहले कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा घी। हमारे यहाँ उपवास की चीजें हमेशा घी में बनती है। ये गया घी। जब तक घी गर्म होता है मैं सामो के अंदर ये अदरक मिर्ची का जो कूटा हुआ है वो डाल देती हूँ, तो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगा। मैं सारा नहीं डाल रही क्योंकि बहुत तीखी स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा फिर मम्मी नहीं खा पाएंगी, इसलिए मैं सारा नहीं डाल रही हूँ। अब घी गर्म हो गया है, उसमें डाला जीरा,
और जीरे की जैसे ही खुशबू आने लगे उसमें आप डाल दीजिए आपका सामो। ये जो है वो काफी फूलता है और मैं इसको बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ, तो मैं बस अंदाजे से पानी डाल रही हूँ। अभी तो मैं 2 गुना पानी डाल रही हूँ जैसे हम चावल में डालते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादा पानी लगेगा। अब ढकने से पहले इसमें हम डालेंगे नमक। नमक अच्छे से एक बार उसको मिला लेंगे और जैसे ही ये उबलने लगेगा वैसे हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और इसको अच्छे से कुक होने देंगे। अब आ गई बारी चेक करने की और ये मैंने खोला, इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डाला था और अब हम चेक करके देखेंगे। हाँ, ये परफेक्ट कुक हो गया है, सॉफ्ट हो गए हैं दाने इसके। साबूदाना खिचड़ी के बाद जो मेरी दूसरी फेवरेट आइटम है उपवास के खाने की वो है ये स्वीट पोटैटो की खीर। ये जो शक्करकंद है उसको हम तवा रख के उसके ऊपर रखते हैं गैस पे और उसके ऊपर एक पतीला उल्टा कर देते हैं और वैसे ही इसे कुक होने देते हैं, हम इसे उबालते नहीं है, इसको खाली रोस्ट करते हैं। अब इसकी स्किन निकालेंगे और इसको पूरा हम मैश कर देंगे। इसको जो है हम हाथ से मैश करेंगे ताकि उसके थोड़े थोड़े पीसेस रहे और वो हम उसका फ्लेवर ले सकते हैं अच्छे से। अगर मिक्सी में डाल दिया इसको तो पूरा ब्लेंड हो जाएगा और शक्करकंद आप बाइट नहीं कर पाओगे। अब इसमें हम मिलाएंगे दूध और दूध हम जो मिक्स कर रहे हैं उसमें हमें ना शक्कर की ज़रूरत है ना आर्टिफिशियल स्वीटनर की ज़रूरत है, ये हमने उबाला नहीं रोस्ट किया है तो इसकी स्वीटनेस इंटैक्ट है। और अभी मैं इसको दूध में ऐसे मैश कर रही हूँ तो मिल्क में स्वीट पोटैटो की ही स्वीटनेस आ जाएगी। ये बस हो गई ऑलमोस्ट हमारी खीर रेडी, हमारा खाना भी रेडी है, अब हम करेंगे हमारी पूजा। हमारे घर में पूजा में चंदन यूज होता है, शिव जी को भी चंदन चढ़ता है क्योंकि उन्होंने विष पिया था तो उनके गले में हमेशा जलन रहती है, तो ये मैं बना रही हूँ चंदन। ये एक पत्थर है और इसके ऊपर जो है वो चंदन की लकड़ी है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ऐसे घिसेंगे तो इसमें से चंदन निकलता है। ये देखिए ये रहा चंदन, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चंदन हम इकट्ठा करते जाएंगे। अब इसे साफ करके अच्छे से थैंक यू बोल के टीका लगा के हम इसको रख देंगे। मम्मी जैसे जैसे मुझे चीज़ें बता रही हैं वैसे वैसे मैं करती जा रही हूँ। अब मम्मी ने कहा अभिषेक करने के लिए, तो ये मैंने अभिषेक शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि को जो है वो शिव और पार्वती एक हुए थे और ये जैसे उनकी वेडिंग एनिवर्सरी समझ लो या ऐसा कुछ है। तो शिवरात्रि के बहुत सारे फायदे भी होते हैं जो मुझे नहीं पता है, लेकिन बचपन से मैंने देखा है मेरी नानी को मम्मी को ऐसे पूजा करते हुए और शिवरात्रि मनाते हुए, और रात की पूजा करने के बाद हम रात का खाना खाएंगे और बस ये हमारा अभिषेक चल रहा है, उसके बाद हम पूरी पूजा करेंगे। मुझे तो कोई आते नहीं है मंत्र वगैरह, तो हम यूट्यूब पे लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे मामा? शिव मानस पूजा। मानस पूजा जो मुझे समझ में आती है कि हम जो अपने मन से करते हैं भगवान के लिए, फिर उसमें अगर कोई ऊंच नीच भी रह जाए तो भी वो भगवान समझ जाते हैं कि हमने उनको सब कुछ अर्पण कर दिया। सबसे पहले भगवान को चंदन का टीका लगाएंगे, चंदन की खुशबू आएगी उनको। अब फूल चढ़ा रहे हैं, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे फूल, बहुत फ्रेश फूल मिले मुझे वहाँ मार्केट में। अब शिव जी को बेल पत्ते चढ़ाएंगे, इसमें मार्केट के भी बेल पत्ते हैं, घर के भी बेल पत्ते हैं। शिव जी को बेल पत्ते बहुत पसंद है, तो आप जितने ज्यादा उनको बेल पत्ते चढ़ाओगे उतना ही वो खुश होंगे। अब ये हमारी आरती,
और आरती भी समाप्त हो गई। आरती के बाद मंत्र पुष्पांजलि, ये मम्मी से फूल ले लिए और भगवान जी को चढ़ा दिए। तो सब कुछ हो गया है, पूजा वूजा अच्छे से हो गई और ये हैं हमारे शिव जी बैठे हैं बेलपत्तों के साथ। अब हम जाके भोजन करेंगे, उपवास का भोजन। सबसे पहले ये एप्पल खाऊंगी जो प्रसाद में रखा था। ये हमारी खीर, सामो, चटनी। सामो जो है वो थोड़ी छाछ के साथ खाते हैं क्योंकि वो सूखा होता है, तो चावल कैसे गले में लगते हैं वैसे ही गले में लगेगा सूखा। ये मेरी फेवरेट चटनी। वाह 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 वाह, आनंद। एंड बेस्ट फॉर द लास्ट, ये है हमारी स्वीट पटेटो शक्करकंद रताड़ू की खीर। अमेजिंग। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट एंड टेक केयर।